यार मैं सच कहूँ तो ये वैलेंटाइन डे देखो ऐसा नहीं होता, जिंदगी में आदमी जब भी करे ना रोज वैलेंटाइन डे बना सकता है। वैलेंटाइन डे सिर्फ लड़की के लिए नहीं होता है, वो अपने दोस्तों के लिए भी होता है, अपनी मम्मी के लिए होता है, अपने मामा के लिए, पापा के लिए, अपने नौकर के लिए, यारों के लिए, अपनी गाड़ी के साथ भी आदमी वैलेंटाइन डे मना सकता है यार। और क्या कहना चाहेंगे, नई पीढ़ी वैलेंटाइन मना रही है। वही तो कहा नई पीढ़ी के लिए कि वैलेंटाइन डे मना रहे हो यार, क्या एक दिन प्यार कर रहे हो यार? रोज प्यार करो मेरी जान, प्यार बांटने का नाम है। अभी तुम एक 14th February का वेट करते हो और उसके बाद फिर अभी मेरी फिल्म में ये दिखाया गया, लव डे जो मेरी फिल्म आ रही है ना, उस फिल्म में हमने ये सब दिखाया है कि वैलेंटाइन डे एक्चुअल में है क्या, आया कहाँ से, कैसे बना, क्या होने वाला है और दोस्ती का क्या मायना है, ये सब आया है उसके अंदर। आखिरी सवाल आपसे, वैलेंटाइन के बाद होली आ रही है, होली की क्या खास तैयारी करते हैं? देखो यार, होली की मैं कोई तैयारी नहीं करता हूँ, मैं होली मनाता नहीं हूँ। होली क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं मुझे जाना पड़ता है लोगों के यहाँ, बट मैं होली में बिलीव नहीं करता हूँ। ये कलर लगाना, ये सब करना, ऑर्गेनिक कलर्स आ गए हैं अभी तो अच्छी बात है। और आप लोगों को भी कहूँगा कि ये जो होली के टाइम पे आप लोग रोड से कलर खरीद के बच्चों पे डालते हैं, बच्चों को खेलते हैं, वो सब कलर्स बंद होने चाहिए क्योंकि उसमें केमिकल होता है, इट्स नॉट गुड फॉर स्किन और हेयर और लंग्स और एनीथिंग। तो ये होली जब मनाते हो तो इसमें देख लो, मेक श्योर के ऑर्गेनिक कलर्स हो, और वो वाले कलर जो आप लोगों को लगा देते हो जो 10 दिन तक 15 दिन तक नहीं निकलता है जानबूझ के, प्लीज़ डोंट डू दैट। बच्चों को स्कूल जाना होता है, लोगों को ऑफिस जाना होता है, काम करना होता है, तो ये सब मत करो। जस्ट होली को पानी से खेलो तो सबसे अच्छा होगा। पानी से भी मत खेलो, पानी भी बचाओ क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में पानी की भी बहुत तकलीफ है, बच्चे पानी की वजह से मर रहे हैं। तो होली को अपने आप को एक छोटा सा ऐसा कलर लगा के होली बोल दो ना, हैप्पी होली यार, क्या है। थैंक यू। थैंक यू।